हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। थैंक आज यू। मेरे साथ नसीम है। आज हम अपनी विलेज आपको दिखाएंगे। अब ओके ओके, हम विलेज दिखाएंगे। आज हमको ये देख भी रहे हैं दोस्तों, ये बंगला आप देख रहे हो, ये आज तो बंगले हैं, लेकिन किस टाइम में ये वाणियों और जो हिंदू होते थे आपसे थे कि दिल थे कि क्या थे कि क्या थे। जब उसको तड़ पड़ गई मकसद में उसको यहाँ से निकाल गया गया सिंध से, तो ये बंगला किसी ने बंगला कर दिया, किसी ने घर कर दिया, ऐसी वजह से ऐसे ही। आज हमारे साथ थे नसीम उर्फ खलनायक। थैंक यू थैंक यू। आओ thank आओ you. आगे तो आओ। हाँ, ये कैमरा देख रही है हमको। आपके वीडियो पे व्यूज भी अच्छे आए। जी जी, दोस्तों को कहो कि उसी तरह ही हमको देखें और लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सारा बताएं। ये हम आए हैं अभी विलेज, सुबह सुबह बारिश भी पड़ी थी। दोस्तों आज हम विलेज पे नसीम के घर पहुंचने वाले हैं। नसीम का घर आपको दिखाएंगे। ये नसीम के घर जा रहे हैं अभी। ठीक ओके, आपका अपना घर दिखाएं जो गवर्नमेंट ने मुझे बनवा के दिया। फिलहाल तो मेरा है, लेकिन ये गवर्नमेंट ये जो बिल्डिंग है, ये नसीम का, ये नसीम का घर है, ये मेरा घर। आगे आगे तो आओ, लोगों को बताओ, दोस्तों को। दोस्तों ये मेरा घर है, ये क्वार्टर जो है ये मेरा मुझे गवर्नमेंट ने बनवा के दिया था। ये बाथरूम है और ये सीढ़ियाँ हैं, देख रहे हो चारों तरफ से, और ये ईंटें भी पड़ी हुई हैं। ये अभी ये और भी जगह बने हैं अभी हमारे जो है। या आप यहाँ पे रहते हो? नहीं, मैं कुछ टाइम रहा था। अच्छा, मैं कुछ मैंने अभी इनका घर दिखा दिया आपको, सब लोगों ने देखा नसीम का जो घर था। कुछ टाइम यहाँ पे रहा था, अभी यहाँ पे नहीं रहता है। अभी ये बनवा के बनवा, जब बनेगा फिर हम रहेंगे। अभी मतलब ये आपका मैं जुदा हूँ चार जो। आज ये भी तो दिखा रहे हैं कि ये जंगल है, इस जंगल से एक रास्ता निकलता है जो सारा सारे का सारा। या ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है, अभी कहाँ जा रहा है मतलब? ये किस शहर से, किस शहर से जाके मिलेगा? वो जो शाख नहीं होती है जो जिसमें पानी निकलता है, हाँ। आगे जमीनों पे चलता है, उस शाख पे चलता है, और उस शाख में से काफी रास्ते निकलते, काफी गांव जंगल ही है, लेकिन अभी आबादी हो चुकी है काफी जो है। ये जो है ट्यूबवेल है, और ये गांव, ये किसी के घर में, ये वाटर है, इसमें से पानी निकलता है जंगल में, खेतों में पानी जाता है, ये शाख में से आता है, या ये ने के इस ट्यूबवेल के साथ भी निकलता है पानी, और हमारे कंदम जो है जो भी फसल है वो पानी पे अच्छा होता है। अभी देर भी नहीं है, ये जो है ट्यूबवेल है, इस पे बैठक भी है, और ये तुम देख रहे हो ये ट्यूबवेल है, देखो ये ट्यूबवेल है। कभी आपने इस ट्यूबवेल में नहाया? हाँ, मैंने नहाया। यहाँ बड़ा बर्ड था, इतना बड़ा बर्ड था कि शायद किसी का घर होता ना, शायद किसी का घर होता तो सारी फैमिली उनमें से रह सकती थी। आप ये दोस्तों को बताएं कि जो आपने इसमें नहाया था इस ट्यूबवेल में, तब आपकी उम्र क्या थी, एज क्या थी आपकी? अभी ये हमारे सामने ये बनवाई गई है, ये हमारे को इतनी पुरानी नहीं है, ये आज बनी हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ सही सही भाई। ये देख रहे हो, ये हमारा छोटा सा गांव था किसी टाइम पे, लेकिन छोटा नहीं था, ये हेडक्वार्टर था, ये कदीमी जो है गांव है, या जो हिंदू और वाणी भी रहते थे, लेकिन जब हमारे गांव में जो है सारे सहूलत हैं। ये टावर देख रहे हो, ये हमारे गांव में ही है, ये देख रहे हो दूर से, ये टावर है, और ये हमारा गांव है, और ये गंदम भी है, ये सारे के सारे। ये और वो क्या कह रहा कि ये दोस्त है हमारा, लेकिन ये गरीब है,
इसके जो है वो बकरियां हैं और वो जो बकर होते हैं ये हैं, और उसके लिए वो जो है ये गंदम कर रहे हैं। घास कर रहे हैं पेड़ काट रहा है ये अपनी। नहीं, ये जलने वाली जो है ये लकड़ियां हैं, ये जलाएंगे और जला के ये खाने पीने और चीजों के साथ भी ये जलेंगी और ये काम। दोस्तों ये देख रहे हो, ये गरीब आदमी है, ये अपने घर के लिए ये लकड़ियां काट रहा है, ये लकड़ियां जलेंगी और खाने पीने की चीज जो है बनेगी इसके आग से। लेकिन जो है इसके पास इतने पैसे नहीं है जो पैसे देकर वो लकड़ियां खरीद कर सके, क्योंकि ये गरीब आदमी, ये मजदूर आदमी है। दोस्तों ये हमारे साथ है मुबीन, ये भी आपसे बात करता है थोड़ी। हाँ भाई, ये वकार भाई का यूट्यूब है, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करो। अच्छा है, ये अच्छी। और ये हमारा गांव है, बहुत अच्छा है और खूबसूरत है। यहाँ बहुत लोग बाहर से भी आते हैं, हम यहाँ से बैठते हैं और गाने माने गाते हैं। नसीम भाई भी आता है, हो गए यहाँ के गाँव में। हाँ, यहाँ के गाँव में बहुत अच्छे लोग रहते हैं। और वकार भाई को लाइक करो भाई। और नसीम आप दोस्तों, ये जो मुबीन भाई ने कहा कि आप वकार भाई के साथ रहो और यूट्यूब पे हमारा साथ रहो, ये अच्छी बात की मुबीन भाई ने। लेकिन मैं जो तुझे बता रहा हूँ, ये काफ़ी कदीमी जो है, ये हमारे अभी जो हमारे ये देख रहे हो, ये गुल पड़े हैं, ये फूल है, किसी फूल के लिए जो है ये गंदम दरख्त है, और ये देख रहे हो ये ट्यूबेल है, और ये ट्यूबेल की ये सामने वाला ये ट्यूबेल है, इसमें से पानी निकलता है और फिर ये जो है दरख्तों को भी पानी मिलता है, फूलों को भी पानी मिलता है, गंदम को भी पानी। अभी दोस्तों सुबह जो हम उठे थे, बरसात पड़ी थी, इतनी बरसात पड़ी थी कि ये शायद ये गंदम है ये गिर गए हैं काफ़ी लोगों के, और ये पकने वाले तो थे लेकिन गिर गए। ये अनाज को जो है कमज़ोर करता है, इसी वजह से सुबह जो बरसात पड़ी थी हमने देखी थी। और हमारे गांव में अभी सूरज निकल गया है, अभी बरसात का कोई इम्कान नहीं है। यहाँ पे सुबह किस टाइम बरसात तकरीबन पड़ी थी, मतलब सुबह किस टाइम बरसात पड़ी थी यहाँ? जब 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 जो है ये अजान आती है उस टाइम पे, नमाज के टाइम पे सुबह वाली, उस टाइम पे ये बरसात पड़ी थी, और हल्की हल्की सी बारिश पड़ी थी, ठंडी ठंडी बारिश पड़ी थी। और हमारा जो है गांव अभी सूख गया है क्योंकि सूरज निकल गया है। अभी बरसात पड़ सकती है यहाँ पे या नहीं? कुछ नहीं कह सकते हैं हम। अच्छा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये खुदा की चीज है, पता नहीं क्या होगा। ये हम आपको कुछ नहीं कह सकते हैं कि बरसात पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, मौसमियात खातों वालों ने ये बताया है कि सिंध में बहुत बड़ी बरसात आगे पड़ेगी। गंदम के एक संग है, एक जो है इसमें से अनाज निकलते हैं, और ये पकने वाला है अभी, और फिर जो मशीन जो है इसको साफ करेगी और अनाज साफ निकलेगा, और हम इसको फिर चक्की में पीसेंगे और हम इसको आटा बनाएंगे, आटा बनाकर फिर पकवा के हम खाएंगे, रोटी खाएंगे। ये इसी वजह से इसी तो अभी हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों खुदा हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।